आयुष्मान भव कहो हनुमान, दक्षिण से सीता का कोई समाचार मिला? गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो अभी जो है आज का जो ब्लॉग रहेगा वो मेरे ऑफिस का ब्लॉग है। और ऑफिस के ब्लॉग में क्या है कि इसमें हमने कुछ जो है हमारे ऑफिस में एक इवेंट हुआ है दशहरा से रिलेटेड, जैसे दशहरा चल रहा है तो आज ही उन्होंने करवाए कुछ फंक्शंस वगैरह, तो उसके कुछ क्लिप्स वगैरह हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो गाइस क्लिप्स को देखो और इन्जॉय करो। ओके सो गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पे बन चुका है स्टेज, और स्टेज पे होगा आज कुछ दशहरा का फंक्शन होने वाला है ऑफिस में, ठीक है। तो अभी तो ये स्टेज बना हुआ है और ये देख सकते हो पूरा लुक ऑफिस का, राइट। और यहाँ पे हमारे सुहेल मियाँ, कैसे हैं आप सर? वालेकुम ऑल ऑफ यू। ये बहुत ही बड़े ब्लॉगर बन चुके हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो ब्लॉगर हैं इन्होंने अद्भुत ब्लॉग्स पे करीब करीब 8000 करीब टच करने जा रहे हैं, 8000 सब्सक्राइबर के साथ, 8500 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो इनका जो जर्नी रहा हुआ है बहुत ही मतलब जद्दोजहद करी है इन्होंने अपनी जर्नी के लिए, अब जो इनकी जर्नी रही है, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं मार्केट में? भाई बिल्कुल नए ब्लॉगर को वेलकम है, बहुत मेहनत है। और देखो दो चीज़ें मैं बोलूँगा, बहुत बड़े शब्द हैं, मैंने भी कहीं से सुने हैं, नींद या सपने दोनों में से एक ही चीज़ पूरी हो सकती है। तो अगर आप नींद पूरी कर रहे हो तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है मेहनत की वजह से कि आप अपनी मेहनत कर रहे हो काम में, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो ज़रूर आपके सपने पूरे हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, फ्री में इतने मुफ्त के ज्ञान दे देते हैं, आप कहीं नहीं मिल पाएंगे आपको ये। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई ज्ञानबाजी नहीं है ये। सही है नहीं, मैं बिल्कुल ही बिल्कुल ही एक साल से मैं चैन की नींद सोया नहीं हूँ, बिल्कुल तो जानता है रिजल्ट। यस मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ हूँ। चलो ठीक है, आप बहुत अच्छा लगा आपने अपने वंशी, आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करें, इनके भी सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं। वीडियो ना लाइक आप जबरदस्ती काम कर रहे हो, इसका कोई सेंस बनता नहीं है। अभी बहुत गर्मी।
अब पहली प्रस्तुति श्री रामचंद्र के सुपुत्र लव और कुश के रूप में आ रहे हैं एग्जामिनेशन बायोमेट्रिक से सौरभ शर्मा और एवीए से मनमोहन सिंह बिष्ट जोरदार तालियां सुपरलेखा के नाक कान काटने की धूर्तता की तो मैं उसकी धर्मपत्नी सीता को ही बंदी बना लाया हूं। सीता तुम मेरी हो, किसी में इतना बल नहीं जो रावण से तुम्हें बलपूर्वक छुड़ा सके। और यदि किसी ने ऐसी दुस्साहस किया मानो उसने स्वयं की मृत्यु को निमंत्रण किया। सृष्टि में तुम्हारे मेरे अलावा तुम्हारा और कोई नहीं, इसलिए विवाह के लिए तैयार हो जाओ सीता। मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझे बलपूर्वक उठाने वाला कायर है तू। इनकार है तेरे जैसे महाराज पर। यदि मेरे प्रभु श्री राम यहाँ होते तो अभी तेरा सर धड़ से अलग हो गया होता। तीन लोगों के महाराज की रानी के साथ विवाह करने का स्वप्न देख रहा है तू। तू राक्षस नहीं दूत राक्षस है, दूत राक्षस। निवास काला आवाज काली सरकार का प्रतीक हूँ। तुम सब राम मनो, मैं रावण ही ठीक हूँ। इसे बताओ हम कौन है, हमारा कौन क्या है। और यदि से मान ले हमारे लंकेश से विवाह प्रस्ताव को,
सोने चांदी के बस हीरे मोती के आभूषण, यहाँ तक कि चंपक भोग की व्यवस्था और पुत्र मोह की लालसा को पूर्ण करने का बल है हमारे देश में। विवाह प्रस्ताव को पता नहीं बहुत से बड़ा कौन समाया जा रहा है। आपका पुत्र आ गया है और माता को कैसे यकीन दिलाऊं कि उनका पुत्र उनके समीप ही खड़ा है। प्रभु की अंगूठी बहुत बढ़िया। प्रणाम माता। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। बोलते मेरा नाम हनुमान है, मुझे प्रभु श्री राम ने अपने दूत के रूप में आपके पास भेजा। श्री राम ने? सत्य कहूं, क्या तुम्हें मेरे स्वामी ने भेजा है? कैसे है वो? उन्हें मेरा स्मरण तो है ना? कहो ना हनुमान, कहो। माता, एक भक्त अपने स्वामी के दुख का वर्णन कैसे करे? प्रभु तो दिन रात बस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, भूख प्यास को त्याग करके निरंतर आपका ही स्मरण करते रहते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं माता कि प्रभु आपसे मिलने के लिए कितने व्याकुल हैं? व्याकुल तो मैं भी हूँ अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, बस दिन रात उन्हीं के समाचार की प्रतीक्षा करती हूँ। अब तो ऐसा व्यतीत होता है, या तो प्रभु मुझे अपने समीप बुला ले, अन्यथा मुझे मृत्यु ही आ जाए। ना माता ना, ऐसा ना कहिए। आपके पुत्र के रहते राम सीता का मिलन अवश्य ही होगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलूं। नहीं पुत्र, नहीं, मैं नहीं चाहती मेरे स्वामी की जगह साई हो। लोग कहें तीन लोगों के स्वामी में इतना भी बल नहीं कि वो अपनी धर्म पत्नी को स्वयं वापिस पा सके। बस तुमसे इतना कहना हनुमान कि सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अब जाओ वत्स, कहीं वो दुष्ट रावण तुम्हें भी बंदी ना बना ले। जाओ वत्स, जाओ। आप मेरी चिंता ना करो माता, वो दुष्ट रावण अभी मुझसे परिचित नहीं है। तीनों लोग मेरे पद समान। करो प्रभु श्री राम का अंतर। मेरी हरण रावण करे, मैं महाकाल हूँ, नाम हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। वो सब मुझे आज्ञा दे माता। आयुष्मान भव, कहो हनुमान, दक्षिण से सीता का कोई समाचार मिला? हाँ प्रभु, दक्षिण की ओर समुद्र से घिरा एक द्वीप है,
जिसे विश्वकर्मा जी ने स्वर्ण से बनाया, उसे लंका कहते हैं प्रभु। वही का राजा है वो दुष्ट राक्षस रावण, जिसने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना रखा है प्रभु। तो इसका अर्थ यह है कि आप माता सीता से भेंट कर आए हैं क्या? क्या सच है हनुमान? क्या तुमने सचमुच सीता से भेंट की? हाँ प्रभु, मैं इंद्रजीत पुत्र हनुमान कभी असत्य नहीं कहता। प्रमाण के लिए माता सीता ने मुझे अपना यह आभूषण दिया प्रभु। हाँ, ये तो देखो लक्ष्मण, ये अवश्य ही सीता के आभूषण है। हनुमान वह कैसी है, मेरा स्मरण तो करती है ना? जब जब उसकी दशा का आभास होता है, तब तब मेरा रोम रोम कंपन से जाग जाता है। भैया आज्ञा दीजिए, मैं अभी हनुमान के साथ जाकर उस रावण का वध करता हूँ। शांत मेरे प्यारे भाई, शांत। क्रोध में लिया हुआ प्रण एकाएक हानिकारक प्रमाणित होता है। रावण अधर्मी है, परंतु हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हनुमान, हमें लंका और सीता के बारे में विस्तार से बताओ। प्रभु, रावण की सेना में सैनिकों की संख्या असंख्यक है। भांति भांति प्रकार के तीर कमान और भाले हैं, लेकिन माता सीता तो सदैव आपका ही स्मरण करती रहती है प्रभु। वो वीर आर्य कन्या राक्षसियों से घिरी रहने के पश्चात भी हर पल हर क्षण उनकी जीवा पर आपका ही नाम रहता है प्रभु। वो दुष्ट रावण के अनेकों दुराचारों के पश्चात भी माता सीता तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की ही है। हनुमान, लेकिन प्रभु, माता ने मुझसे एक आग्रह किया कि अब उनसे ये दूरी सहन नहीं होती। अब आप शीघ्र ही करें प्रभु, शीघ्र ही करें। मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हारा कितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। तुमने हम सबके मन में आज की ज्योति जगाई है। ऐसा ना कहे प्रभु, क्या कभी प्रभु भी भक्त का धन्यवाद करते हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला प्रभु। जो हनुमान, मैं दशरथ पुत्र राम इस सभा में आए सभी राजाओं मंत्रियों एवं पशु पक्षियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। महारानी सीता की खोज में मेरा साथ देने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। अब उस अहंकारी रावण का अंतिम समय निकट है। भैया आगे की क्या योजना है, अब आगे क्या होगा? त्रेता युग संपन्न होगा जब हरि लक्ष्मी मिलन होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अब क्रोध रूप उत्पन्न होगा। जीवन होगा, मरण होगा, भीषण युद्ध और रावण वध होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ फे माइक।